Assalamu Alaikum students I hope you will be fine and healthy I am physics teacher Miss Umairani's Today we will discuss about new book of physics Physics books has divided into two parts In grade 9 we will study part 1 and part 2 will study in class 10th. Beta aap log, class 8 ke physics ki book पढ़कर आ चुके हैं उनमें से कुछ चैप्टर्स आपने पढ़े थे वो वो बुक थी जिसके अंदर टोटल 19 चैप्टर थे जो कि टें क्लास में हमें पढ़ाई जाती थी बट अब उस बुक को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है एक ग्रेड नाइन के लिए और एक ग्रेड टेन के लिए आपको स्क्रीन पर टाइटल पेज नज़र आ रहा होगा ये बुक है जो आप ग्रेड नाइन के अंदर स्टडी करेंगे हो सकता है ये बुक अभी आपको मार्केट में अवेलेबल ना हो इसका हम लिंक आपको सेंड कर देंगे तो आप उसका पी निकाल लीजिएगा ताकि आपके लिए वो हेल्पफुल हो जब तक आपको बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं होती ग्रेट नाइन फिज़िक्स बुक हैज़ नाइन यूनिट यूनिट वन फिज़िकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट यूनिट टू काइनामेटिक्स यूनिट थ्री डायनामिक्स यूनिट फोर टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस Unit 5 Forces and Matter. Unit 6 Gravitation. Unit 7 Properties of Matter. Unit 8 Energy Sources and Transfer of Energy. And Unit 9 Thermal Properties of Matter. In class 8, you have learned the topics of Unit 1, 2, and 3. Today we will start Unit 4 Named Turning Effect of Forces now we start our first topic forces on body in class 8 you have learned about force force is a push or pull it moves the object it stops the object it gives shape to the object and it is a vector quantity therefore it has a specific direction and its major in newton but in now we स्टार्ट लाइक एंड unlike parallel forces द forces that एक्ट along along द सेम डायरेक्शन आर called लाइक like parallel forces यानी yani फोर्सेस के बारे में आपने एट क्लास में पढ़ा था फोर्सेस वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो किसी वो एक एजेंट होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के पुश और पुल के लिए यूज की जाती है ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करने के लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं यहाँ पर हम पढ़ेंगे लाइक एंड अनलाइक पैरर फोर्सेज पैरल मीन सिमिलर यानी कि कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो कि सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रही होती हैं वो फोर्सेस हमारे पास कहलाती हैं पैरलर फोर्सेस यानी द फोर्सेस डेट एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन आर कॉ लाइक पैरल फोर्सेस फॉर एग्जांपल देख आपको एक फिगर नज़र आ रही है इसके अंदर फोर पॉइंट टू इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं कुछ पीपल हैं जो एक कार को फोर्स लगा रहे हैं यानि इक्वल फोर्सेस अप्लाई की जा रही हैं सेम डायरेक्शन में कार को मूव करने के लिए और कार रिजर्टन जो है उसमें ये हो रहा है कि कार जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो जो यहाँ पर फोर्सेज अप्लाई की जा रही है और वो फोर्सेस जो है वो सेम डायरेक्शन में है तो ये फोर्सेस हमारे पास कहलाती है लाइक पैरर फोर्सेस यानी वो फोर्सेस जो सेम डायरेक्शन में हो वो लाइक पैरर फोर्सेस कहलाती है अनलाइक पैर फोर्सेस आर दो फोर्सेस डेट एक्ट अलॉन्ग अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अनलाइक पैरलर फोर्सेस यानी वो फोर्सेस जो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही होती हैं वो अनलाइक पैरलर फोर्सेस कहलाती हैं जैसे कि आपको ये फिगर फोर पॉइंट थ्री बी नज़र आ रही है कि देखिए इसमें टू फोर्सेस है एक है एफ वन और एक है एफ टू एफ वन और एफ टू फोरस अपोजिट डायरेक्शन में है एक अपवर्ड डायरेक्शन में है एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये फोर्सेस जो है हमारे पास कराएंगे अनलाइक अनलाइ फोर्सेस इसकी एक और एग्ज़ाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि हम सीलिंग फैंस यानी वो फ़ैन जो हम सबके घरों में मौजूद होते हैं आप लोगों ने देखा होगा कि वो फ़ैन हैंग हैं होते हैं यानी एक रॉड के ज़रिए उन फ़ैन को हैंग किया जाता है अब उस फैन पे दो फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं ठीक एक तो उस फैन को रॉड के जरिए हैंग किया जा रहा होता है और एक फ़ोर्स जो होती है उस पर ग्रेविटी यानी वेट की फोर्स अप्लाई हो रही होती है तो दोनों फोर्सेज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है यानी ग्रेविटी फ़ैन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रही होती है इसी तरह जो फैन को हैंग किया गया होता है उस रॉड के ज़रिए तो उस रॉड में एक फ़ोर्स प्रोड्यूस हो रही होती है जो कि टेंशन की फ़ोर्स होती है ये टू फोर्सेस हम एक दूसरे के अपोजिट होती हैं एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है और एक अपवर्ड डायरेक्शन में होती हैं तो ये फोर्सेस भी हमारे पास कहलाती हैं अनलाइक पैरर फोर्सेस और नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ फोर्सेस एडिशन ऑफ फोर्सेस कैन डिफाइन एट सिंगल फोर्स डेट हैज द सेम इफेक्ट एज द कम्बाइंड इफेक्ट ऑफ द फोर्सेज टू बी इज इस रिजल्टेंट फोर्स देखिए जैसे अभी आपको एक एग्ज़ाम्पल बताई गई थी कि एक कार है जिसमें मुख्तलिफ़ फ़ोर्सेस अप्लाई की जा रही हैं यानी मुख्तलिफ मैन पीपल जो है उस पर फ़ोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसे मूव करने के लिए तो इन तमाम फोर्स का एक रिजल्टन हमें इस फॉर्म में मिलता है कि वो कार जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो जो उसका रिजर्टन है यानी कि जो उसकी मूवमेंट हुई वो एज अ रिजल्टन हमारे पास आई है तो जितनी भी फोर्सेस होती हैं उन सब का इफ़ेक्ट एक फ़ोर्स की फॉर्म में हमारे पास आता है तो ये हमारे पास कहलाता है रिजल्टेंट फोर्स आप लोगों को क्लास में स्केलर एंड वेक्टर बताया गया था कि स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है और वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिफ़ाइन करने के लिए और डायरेक्शन बोथ रिक्वायर्ड होती हैं तो जो फ़ोर्स है फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इस वेक्टर क्वांटिटी को जब हम ऐड करते हैं यानी उन फोर्सेस को हम ऐड करते हैं तो उस पर सिंपल मैथमेटिक रूल अप्लाई नहीं होता यानी मैथ के एडिशन के ज़रिए हम उसे ऐड नहीं कर सकते उसके लिए हम कुछ डिफरेंट रूल यूज़ करते हैं डिफरेंट मैथड यूज़ करते हैं वैक्टर कोंटिटीज़ को ऐड करने के लिए जो कि कहलाता है एक ग्राफिकल मेथड और एक कहलाता है हमारे पास एनालिटिकल मेथड। ग्राफिक मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम मुख्तलि वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं और नॉर्मली उसमें हम हैड टू टेल रोल का एप्लीकेशन करते हैं